एवरीवन, आज हम ग्रामर पढ़ेंगे जिसमें हम ग्रामर के बारे में और सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामर का अर्थ होता है व्याकरण। ग्रामर इज अ स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। व्याकरण एक भाषा की संरचना और प्रणाली है। एक और डेफिनेशन है ग्रामर से संबंधित, देखिए, ग्रामर इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग इन इंग्लिश। यानी व्याकरण हमारे सभी लेखन और अंग्रेजी में बोलने की नींव है। ग्रामर का अर्थ होता है, ग्रामर जो है ये किसी भी भाषा को सही प्रकार से लिखने या बोलने का तरीका या प्रक्रिया हमें बताता है। किसी भी भाषा में जब हमें लिखने बोलने के लिए ग्रामर की आवश्यकता अवश्य होती है। आइए अब हम सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या है? व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। सेंटेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जो होता है इसमें कई शब्द होते हैं, ये शब्दों के समूह होते हैं जिसका एक सही अर्थ बनता है। जैसे देखिए यहाँ दिया है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका अर्थ हुआ कि एक वाक्य शब्दों का वह समूह है जो सही अर्थ बनाता है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में हम यहाँ 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे। कौन कौन से होते हैं? इससे पहले ये भी जानने कि जो सेंटेंस होता है, कोई किसी भी प्रकार का जो वाक्य होता है, एनी सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एनी अदर मार्क। तो कोई भी वाक्य जब हम शुरू करते हैं लिखना तो उसमें सबसे पहले हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और एंड में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या कुछ और मार्क का प्रयोग करते हैं। अब देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ हमने 5 काइंड्स लिखे हुए हैं, जिसमें पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पहला डिक्लेरेटिव, जिसे एसर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, जिसको हिंदी में साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा आ जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसे आदेश सूचक वाक्य या विधि सूचक वाक्य कहा जाता है। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे इच्छावाचक वाक्य या इच्छा सूचक वाक्य भी कहा जाता है। थैंक यू।